फ्रेंड्स, स्वागत है नव्या क्रिएटिविटी में। आज हम आपके लिए एक स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं, देखिए कैसी बनेगी। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट। सबसे पहले देखिए हम मस्टर्ड ऑयल डाल रहे हैं। ये हमारे जो इटावा की फेमस डिश है, चाहे शादी ब्याह हो या कोई मौका हो, अगर ये रेसिपी नहीं बनी तो शादी में मजा ही नहीं। देखिए हमारा जो तेल है वो गरम हो रहा है, जो इसमें चीजें पड़नी है। देखिए मैंने आलू है, चार मीडियम साइज के आलू उबाल रखे हैं, इसको अच्छे से मैश कर लिया है। और ये हमारा दही है, जो कि फ्रेश दही है, सुबह मैंने जमाया था, उसी का प्रयोग करके मैं बनाने जा रहे हैं। इसको कहते हैं भट्ठे के आलू। देखिए, और सिर्फ इसमें छौंकने में क्या लगता है, जीरा और लहसुन और हींग, इसी का ये तड़का देकर बनाई जाती थी। ये एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने की इच्छा होगी। देखिए इसको डालने के बाद आप सीधे आलू डालेंगे। आलू को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब देखिए और दूसरी चीज क्या ऐड करनी है वो मैं बताने जा रही हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें मसाला नहीं पड़ता है, गरम मसाला बिल्कुल नहीं। इसमें हल्दी पाउडर और पड़ेगा सूखी धनिया, और पड़ेगी सूखी किसी भी लाल मिर्च, और थोड़ा सा हल्का सा कश्मीरी मिर्च। और पड़ेगा इसमें नमक स्वाद अनुसार। इन्हीं चीजों की सहायता से हमारी जो मट्ठे के आलू लाजवाब बनके तैयार होंगे। आप लोग भी ट्राई करिएगा और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए जब तक हमारा आलू भून रहा है तब तक हम, देखिए इसमें हमने 250 ग्राम दही है, तो इसमें जो बेसन की मात्रा है वो कितनी पड़ेगी वो भी देख लीजिए, इतनी चुटकी से और आधा चुटकी। ये नहीं कि बहुत सारा बेसन डाल देंगे, वो चीज नहीं। और इसको बढ़िया से अच्छे से ऐसे धीरे धीरे ऐसे हाथों से मट्ठा और बेसन को अच्छे से मिलाएंगे। देखिए मेरा कितना अच्छा, इसमें रोरी नहीं है बिल्कुल। देखिए अच्छा सा ये घोल है जो तैयार हो गया है। अब इसी में हम देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हमारा जो ये आलू अच्छे से हो गया है, अब हम इसमें देखिए ऐड करने जा रहे हैं मट्ठा और बेसन, जो मैंने घोल कर रखा है वो घोल ऐड करेंगे। और घोल डालने के बाद हम फटाफट ऐसे धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ये चीज हमारा अच्छे से मिक्स होना चाहिए, नहीं तो कितना हम चलाएंगे। क्योंकि पानी हमें हिसाब से डालना पड़ता है, क्योंकि अभी जब बेसन फूलेगा तो हमारा ये जो है जो ये जो ग्रेवी है वो ऑलरेडी गाढ़ी हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी स्मेल आ रही है और सूदी सूदी खुशबू आ रही है। आप लोग भी बनाइए। बस हमारा पानी हो गया पूरा, इससे ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब आप लोगों को हम इसको पकाते दिखाते हैं। देखो जो हमारी मट्ठे के आलू हैं, इटावा की फेवरेट डिश, क्योंकि मैं भी इटावा की हूँ,
इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की कोई रेसिपी है तो आप लोगों को पता हो। देखिए हमारे जो मट्ठी के आलू हैं वो पककर तैयार हो गए हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ याद हमेशा रख, अगर इसमें आपने ज़्यादा बेसन का यूज कर दिया तो ये दम बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी और फिर वो फ्लेवर नहीं रहता जो ऑलरेडी होना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया से आपको तैयार हो गई है। और देखिए आप इसमें धनिया अगर पसंद हो तो डालें, अगर नहीं डालें तो देखिए क्या स्मेल है, क्या खुशबू, वाओ। अच्छी है, आप लोग भी ट्राई करिएगा।